इस लेक्चर नंबर 11 फॉर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इस लेक्चर के अंदर हम लोग बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं वो कंप्यूटर के देखेंगे, जो कि हमारी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। बेसिक ये एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमारे स्पीड को अफेक्ट करते हैं कंप्यूटर की। इसमें सीपीयू, मेमोरी, रजिस्टर्स, क्लॉक स्पीड, कैशे मेमोरी एंड डेटा बस। अचीविंग इंक्रीज प्रोसेसर स्पीड, इंक्रीज दी हार्डवेयर स्पीड ऑफ प्रोसेसर। तो पहला पॉइंट ये है कि हम किसी तरह से हार्डवेयर की स्पीड को इंक्रीज करें। हार्डवेयर की स्पीड को इंक्रीज करने के लिए जो उसके अंदर लॉजिक गेट्स यूज किए गए हैं उनको कम किया जा सकता है या सिंप्लीफाइड किया जा सकता है। जो उसकी सर्किटरी है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। सेकेंड, उसमें क्लॉक रेट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना फास्ट क्लॉक होगा उतना हमारा जो है वो स्पीड बेहतर होगी। इंक्रीज द साइज एंड स्पीड ऑफ कैशे, कैशे जो मेमोरी है उसको भी हम लोग जो है वो जितना फास्ट करेंगे उतना सिस्टम हमारा फास्ट हो जाएगा। मेक चेंजेस टू द प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर दैट इंक्रीज द इफेक्टिव स्पीड ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन। इसके अंदर आर्किटेक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारी चीज़ें आ जाती हैं, रजिस्टर्स वगैरह ये सारा कुछ ही आ जाता है, मेमोरी आ जाती है उसके अंदर। फिर डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं जो कि हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि पैरेललिज्म इसमें एक मेंशन की गई है, एक एग्जांपल दी गई है। फॉर एग्जांपल अगर हम पैरेलल प्रोसेसर्स लगा दें, जैसे कि क्वाड में 4 प्रोसेसर्स हैं, डुअल में 2 होते हैं, तो हम इससे भी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर सिंगल कोर होगा तो एक टाइम में एक ही इंस्ट्रक्शन होगी, अगर 2 हो जाएंगे तो एक टाइम में 2 चीज़ें एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो इस तरह से भी स्पीड को प्रोसेसर की इंक्रीज किया जा सकता है। तो वन बाय वन हम इनको देखते हैं कि हमारे पास ये जो हैं कंपोनेंट्स हैं इनकी क्या अहमियत है और इनको हमने कैसे यूज़ करना है। तो प्रोसेसर के अंदर हाई स्पीड स्टोरेज लोकेशंस होती हैं, लेकिन ये स्मॉल होती हैं, इनका साइज बहुत कम होता है, लेकिन ये प्रोसेसर के अंदर ही होती हैं। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये प्रोसेसर के अंदर ही होती हैं तो ये बहुत ही फास्ट होती हैं। जिस तरह से अगर एक्सटर्नल मेमोरी है या रैम है वो प्रोसेसर के अंदर नहीं होती। अगर प्रोसेसर को रैम या स्टोरेज से, हार्ड डिस्क से अगर डाटा लेना हो तो उसको टाइम लगता है, लेकिन रजिस्टर्स जो है वो प्रोसेसर के अंदर ही होते हैं तो फास्ट एक्सेस होती है। रजिस्टर्स जो है वो टेम्पररी डाटा को होल्ड करते हैं, ये डाटा को भी होल्ड कर सकते हैं और इंस्ट्रक्शंस को भी होल्ड कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं, उनका डिफरेंट पर्पज़ होता है। बेसिकली जो है ये डाटा को स्टोर करने के लिए भी यूज़ होते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन फैच करनी हो तब भी यूज़ कर सकते हैं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए जो डाटा या ऑपरेंड्स यूज़ होते हैं उनको उनके लिए भी यूज़ हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ALU ने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है और उसने कोई ऑपरेंड्स जो है वो सेव करना है तो वो रजिस्टर में उनको सेव कर सकता है, या जो कोई रिजल्ट आया है, कोई आंसर निकाला उसने, लेट से 2 चीज़ें ऐड करके एक रिजल्ट दिया है तो वो भी रजिस्टर में सेव किया जा सकता है। ओके जी, नेक्स्ट है हमारे पास रजिस्टर फंक्शन। रजिस्टर की फंक्शनैलिटी पे थोड़ा सा हम देखते हैं। ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर्स लोड डेटा फ्रॉम ए लार्जर मेमोरी इनटू रजिस्टर्स। बेसिकली लार्ज मेमोरी से मेंशन मुराद हमारा हार्ड डिस्क है या रैम है, तो वहाँ से डेटा जो है वो लेकर रजिस्टर्स में लोड कर लिया जाता है। लेट्स से कि हमने कोई 2 ऑपरेंड से, 2 नंबर से जिनको ऐड करना, फॉर एग्जाम्पल, अब वो डेटा रैम में है। अगर डेटा एक दफ़ा रैम से रिट्रीव कर लिया गया है तो बार बार जब भी रैम के पास जाएंगे उससे डेटा लेंगे वो, तो फिर का जो हमारा ऑपरेशन है वो बहुत स्लो होगा। तो किया ये जाता है कि जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वो नंबर्स या वो अपने हम रजिस्टर में सेव कर लेते हैं और फिर ALU उसको अपने मुताबिक यूज़ करता रहता है। जब डाटा आपका कंप्लीट हो जाता है, इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो फिर वापस रिजल्ट जो होता है उसको फिर मेमोरी में वापस भेज दिया जाता है। तो रजिस्टर का जो साइज है, ठीक है, नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेसर कैन हैंडल, ये बिट्स में होता है, 16 बिट भी हो सकते हैं, 32 बिट भी होते हैं, 64 बिट के रजिस्टर्स भी होते हैं। तो जितना ये आप इसको फास्ट बनाएंगे या इसका साइज इंक्रीज करेंगे उतना कंप्यूटर की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। ये एक सिंपल सी डायग्राम है कैसे कम्युनिकेशन होती है। ALU बेसिकली रजिस्टर्स में अपने लिए, या CU और ALU रजिस्टर्स में अपना डाटा रखते हैं, और रैम से डाटा रजिस्टर्स में आ जाता है, फिर रोम से या रैम से, दोनों से रजिस्टर में आता है। अब ALU को अगर कम्युनिकेट करना है या डाटा को यूज करना है तो डायरेक्ट रजिस्टर से ही कर लेता है, उसको बार बार रैम में जाने की जरूरत नहीं पड़ती।
यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर्स, यूजर एक्सेसिबल रजिस्टर्स ऐसे रजिस्टर्स हैं जिनको यूजर एक्सेस कर सकता है, जैसे कि डेटा रजिस्टर्स। कोई प्रोग्रामर है अगर वो कोई रजिस्टर्स में कोई वैल्यू रखना चाहता है तो वो उनको यूज कर सकता है। दे कैन होल्ड न्यूमेरिक वैल्यूज सच एज इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट। इन सम ओल्डर सीपीयूज अ स्पेशल डेटा रजिस्टर एक्युमुलेटर इज यूज्ड इम्प्लिसिटली फॉर मेनी ऑपरेशन। तो ये आजकल तो नहीं है स्पेशल डेटा रजिस्टर, तो आजकल जनरल पर्पज रजिस्टर्स होते हैं। उनके और प्रोग्रामर जो है वो अपने बाय नेम कॉल कर सकता है या उनके अंदर अपना डाटा मूव कर सकता है, कोई चीज़ें कोई रिजल्ट है तो उसको भी सेव कर सकता है। एड्रेस रजिस्टर्स होल्ड्स एड्रेसेस एंड आर यूज्ड बाय इंस्ट्रक्शंस दैट इनडायरेक्टली एक्सेस मेन मेमोरी। डाटा एड्रेस रजिस्टर्स जो है वो एड्रेसेस को होल्ड करते हैं, जैसे कि इसकी एक एग्जाम्पल है EIP। EIP एक्सटेंडेड इंस्ट्रक्शन पॉइंटर एक रजिस्टर होता है। ये रजिस्टर जो है ये बेसिकली नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होनी है उसका एड्रेस रखता है। मतलब जो CPU है एक टेबल होता है उसके पास, उसमें इंस्ट्रक्शंस लिखी होती है, लाइक से कि 100 इंस्ट्रक्शंस उस टेबल में लिखी हुई है। तो CPU पहले एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को, इसका वन बाय वन वो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता जाता है। तो ये क्या करता है, EIP रजिस्टर को कहाँ से इंस्ट्रक्शन उठानी है वो एड्रेस होल्ड करता है। तो कुछ ऐसे रजिस्टर्स भी होते हैं जो एड्रेसेस को सेव रखते हैं अपने पास। अदर टाइप ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है, अदर टाइप में कंडीशनल रजिस्टर्स आ जाते हैं। होल्ड ट्रुथ वैल्यूज ऑफन यूज टू डिटरमिन वेदर सम इंस्ट्रक्शन शुड और शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड। जनरल पर्पज रजिस्टर्स ये मैं आप लोगों को भी बता चुका हूँ डाटा को एड्रेसेस को होल्ड करने के लिए। फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्स फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए होते हैं। कॉन्स्टेंट रजिस्टर्स कॉन्स्टेंट्स को होल्ड करते हैं, जैसे कि 0, 1, 5। वेक्टर रजिस्टर्स होल्ड डाटा फॉर वेक्टर प्रोसेसिंग डन बाय SIMD इंस्ट्रक्शन, सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा। स्पेशल पर्पज है, इसमें इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि बेसिक कोर्स है, लेकिन सिंगल इंस्ट्रक्शन मल्टीपल डाटा में वैक्टरिंग की जरूरत होती है, तो वैक्टर के जो रजिस्टर्स हैं उनको हम वैक्टर रजिस्टर्स कहते हैं। कुछ ऐसे रजिस्टर्स होते हैं जिनको हम फ्लैग्स कहते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोल एंड स्टेटस रजिस्टर्स, या इनको हम कंट्रोल एंड स्टेटस फ्लैग्स भी कहते हैं। ये बेसिकली आउटकम देते हैं कि हमारे जो है वो ऑपरेशन से क्या हो रहा है। जैसे इसकी एक एग्जांपल मैं अगर आपको दूँ तो कैरी फ्लैग है। अगर हमने लेट्स से दो नंबर ऐड किए, प्रोसेसर आपका ALU दो नंबर को ऐड कर रहा है, और दो नंबर ऐड करने से कोई कैरी जनरेट हो रहा है। जैसे हम जब दो नंबर्स को ऐड करते हैं और रिजल्ट अगर बड़ा आया तो हम कहते हैं ना कैरी आ गया। वो जो कैरी आता है तो फिर वो ये फ्लैग जो होगा स्टेटस रजिस्टर में, कैरी फ्लैग जो है वो हाई हो जाएगा। वो ये शो करेगा कि हमने जो ऑपरेशन किया है उससे कैरी जनरेट हो रहा है। या फॉर एग्जांपल हमने दो सेम नंबर सब्ट्रैक्ट किए और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर जीरो आ गया, तो जीरो फ्लैग हाई हो जाएगा, जो ये शो करेगा कि हमारे इस ऑपरेशन से एक जीरो जनरेट हो रहा है। ठीक है जी, रजिस्टर्स रिलेटेड टू फैचिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रैम। ठीक है, कुछ बफर रजिस्टर होते हैं जो मेमोरी से जब हम डाटा लेते हैं तो वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे मेमोरी बफर रजिस्टर है, मेमोरी डाटा रजिस्टर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है। इनके नाम से ही क्लियर हो रहे हैं इनके पर्पजेस क्या हैं। मेमोरी टाइप नेम जो रजिस्टर है। ओके जी, तो ये हमारे पास हैं रजिस्टर्स की डिफरेंट टाइप्स। ओके जी, नेक्स्ट जो है वो मेरे पास है सिस्टम और इंटरनल क्लॉक। ठीक है, मैंने अभी पहले कहा कि अगर हम क्लॉक को फास्ट बनाएंगे तो उतना ही हमारा ऑपरेशन जो है वो बेहतर हो जाएगा। तो बेसिकली जो आपका क्लॉक है वो एक पल्स होती है, पल्स टाइम के ऊपर एक पल्स होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो एक पल्स होती है। हाई लो की एक पल्स होती है, सिमेट्रिक होती है, अगर थोड़ी कोई लाइन टेढ़ी हो गई स्ट्रेट है सारी। ठीक है जी, तो ये एक पल्स होती है। तो बेसिकली हमारे जितने ऑपरेशन होते हैं वो एक क्लॉक के ऊपर होते हैं। इसकी एक मिसाल ये ले लें कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को कहता हूँ कि हमारा जो एक क्लॉक है, इंसान हम लोगों ने जो एक टाइम का सिस्टम बनाया या एक क्लॉक बनाया, तो हमारा जो क्लॉक का सिस्टम है वो सबका एक ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक कंट्री की एग्जाम्पल लें, अगर पाकिस्तान की एग्जाम्पल लें, तो पाकिस्तान में एक ही स्टैंडर्ड टाइम है, सारे उसी को फॉलो करते हैं। अगर मैं कहता हूँ जी आपका आपके साथ मैंने एक मीटिंग करनी है जी 10 बजे, और सब लोगों की घड़ी ठीक है, क्लॉक ठीक है, तो सब लोग
एग्जैक्ट टाइम के ऊपर मीट करेंगे। अगर किसी की फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट आगे या पीछे है तो 5 मिनट जल्दी हो जाएगा या लेट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर क्लॉक ठीक है तो इस चीज को हम कहते हैं कि हम सारे जो है आपस में सिंक्रोनाइज है। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा मोबाइल फोन वगैरह या इनमें भी हम लोग यूज करते हैं, अगर हम कहते हैं कि हम जो है वो सिंक्रोनाइज है, ओके। तो मतलब हम एक ही क्लॉक के ऊपर चल रहे हैं। इसी तरह से कंप्यूटर के सारे ऑपरेशन, कंप्यूटर के ऑपरेशन में ये चीजें आ जाती हैं, फेचिंग, डिकोडिंग, परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है। ये सारे जितने भी ऑपरेशन होते हैं सीपीयू के सारे सिंक्रोनाइज होते हैं, एक क्लॉक के ऊपर होते हैं। और ये क्लॉक होता है इसके अंदर, इसको हम शॉर्ट में CLK भी लिखते हैं, मतलब ये पल्सेस होती हैं। फॉर एग्जांपल सीक्रोड से एग्जांपल ये ले लें, मैंने कहा हमने ये कर लिया कि पहले क्लॉक के ऊपर फैचिंग करनी है, पहले क्लॉक साइकिल के ऊपर, दूसरे क्लॉक साइकिल के ऊपर डिकोडिंग करनी है, तीसरे क्लॉक साइकिल के ऊपर मेमोरी से डाटा लेना है, ठीक है। अब ये नहीं होगा कि पहले क्लॉक साइकिल पे अगर फैचिंग हो रही है या कोई ऑपरेशन हो रहा है तो बाकी सबको, बाकी जो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं मेमोरी वगैरह जो भी चीजें, उनको पता होगा कि कोई ना कोई ऑपरेशन हो रहा है, क्लॉक बिजी है, तो वो वेट में चला जाएगा। अगर ये क्लॉक ना हो तो फिर सारे एट अ टाइम ही अपनी अपनी कमांड काम भेज देंगे, तो कोई भी काम सही तरह से परफॉर्म नहीं होगा। अगर मैं इन ऑपरेशन की बात करूँ तो फैचिंग इंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये है कि इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट होनी है वो फैच करो, मतलब क्या एग्जीक्यूट करना है ये देखना है। डिकोडिंग में जो आपने इंस्ट्रक्शन फैच कर ली है उसका देखना है कि उसमें करना क्या है, जैसे कि एडिशन करनी है, सब्ट्रैक्शन करनी है या किस पे करनी है। फिर आपका ALU जो है, जब उसे पता चल जाता है कि क्या करना है और किस पे करना है, तो आपका ALU वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है, ठीक है। और फिर उसके बाद ये सारा कुछ जो है हमारा जो है वो एक क्लॉक साइकिल के ऊपर होता है। तो इसको अगर हम देखें तो ये इसकी एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, ये हमने पढ़ी हुई चीजें, ये टाइम पीरियड होता है, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F=1/T। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो बेसिकली साइकिल्स पर सेकेंड या हर्ट्स भी इसका यूनिट होता है, फ्रीक्वेंसी में इसका यूनिट होता है, इसका पता चलता है। हार्डवेयर में अगर बात करें तो एक क्रिस्टल होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है जो कि वाइब्रेट करता है, तो ये चीज जनरेट होती है। तो हमारे कंप्यूटर में एक पल्स जनरेट होती है जो कि फिर आगे इसके ऊपर सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो क्लॉक काफी इंपॉर्टेंट चीज है कंप्यूटर के अंदर, मैं इसको क्लियर करते हैं फिर आगे चलते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है जी, द रेट ऑफ पल्सेस इज नोन एज क्लॉक रेट और क्लॉक स्पीड। वन इंक्रीमेंट ऑफ पल्स ऑफ द क्लॉक इज रेफर्ड टू अ क्लॉक साइकिल, ठीक है, वो वन साइकिल जो उसको हम कहते हैं। द टाइम बिटवीन पल्सेस इज साइकिल टाइम, या टाइम पीरियड भी कहते हैं इसको, टाइम टू कंप्लीट वन साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ए प्रोसेसर कैन एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन इन ए गिवन नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल। तो यहाँ पे एक चीज और आ गई कि जरूरी नहीं होता कि एक ही साइकिल में एक इंस्ट्रक्शन हो, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं ऑपरेशन जो कि 4-5 साइकिल ले रहे हो या ज्यादा भी ले सकते हैं, जैसे मेमोरी से डाटा रीड करना हो तो ज्यादा क्लॉक साइकिल लग जाते हैं, ठीक है जी। तो बेस या स्पीड ऑफ द सिस्टम क्लॉक इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड, तो गीगाहर्ट्ज़ के अंदर यूजुअली होता है, 1 बिलियन क्लॉक टिक्स इन 1 सेकेंड, गीगा आपको पता है 10^9 होता है। तो काफ़ी फास्ट आजकल क्लॉक आ गए हैं क्योंकि फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई होती है, जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना बेहतर होता है। ओके जी, नेक्स्ट अंडर क्लॉकिंग एंड ओवर क्लॉकिंग, ठीक है। In any particular CPU, replacing the crystal with another crystal that oscillates half the frequency will generally make the CPU run at half the performance. Underclocking means के let's say कि मेरा clock जो है वो high clock पे काम कर रहा था, मैंने उससे कम clock लगा दिया, low clock लगा दिया या उससे half value का clock लगा दिया, तो मेरी speed जो है वो half हो जाएगी, मेरा computer जो है वो उतनी परफॉर्मेंस नहीं देगा, हाफ परफॉर्मेंस देने लग जाएगा, इसको कहते हैं अंडर क्लॉकिंग। इससे क्या होता है, वेस्ट हीट जो है वो रिड्यूस हो जाती है, अगर आपका पीसी हीटिंग कर रहा है तो इस तरह का सोल्यूशन देते हैं, लेकिन ये कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं है, उसकी परफॉर्मेंस हाफ हो जाएगी। सेकेंड इज ओवर क्लॉकिंग, ओवर क्लॉकिंग मीन्स आपका CPU जो है वो एक खास क्लॉक को सपोर्ट करता है, लेकिन हम उसको
हाई फ्रीक्वेंसी के क्लॉक से रिप्लेस करते हैं। तो इससे जो होगा वो आपका जो है वो हीट क्रिएट करेगा, आपका सीपीयू हाई परफॉर्मेंस तो देगा लेकिन उसको वर्क एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, वो उस चीज़ के लिए नहीं बना, तो इससे आपका जो है वो हीट होगा सीपीयू, तो वो ख़राब भी हो सकता है सप्लाई वगैरह उसकी, तो ओवर क्लॉकिंग जो है वो बड़े ख्याल से की जाती है। ठीक है जी, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कंप्यूटर कंपोनेंट ऑपरेट फास्टर। मोस्ट ओवरक्लॉकिंग टेक्निक्स इंक्रीज पावर कंजम्पशन, जनरेट मोर हीट। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस हीट को फिर हमें डील करना पड़ता है, इसके लिए हम फैन लगाते हैं एक्स्ट्रा से या कोई और चीज़ लगा के इस हीट को डील करना पड़ता है। अगर इसको डील नहीं करेंगे तो आपका सीपीयू बर्न आउट हो जाएगा। द पर्पज ऑफ ओवरक्लॉकिंग इज टू इंक्रीज द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ गिवन हार्डवेयर। कंप्यूटर कंपोनेंट्स दैट मे बी ओवरक्लॉक इंक्लूड सीपीयू, वीडियो कार्ड्स, मदरबोर्ड, चिपसेट्स, रैमिंग कंपोनेंट्स को हम ओवरक्लॉक कर सकते हैं। व्हाट इज कैशे? ठीक है जी, कैशे पे अब हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। ओके जी, कैशे के अंदर कौन सा डाटा सेव होता है? माइट बी वैल्यूज दैट हैव बीन कंप्यूटेड अर्लियर, डुप्लीकेट्स ऑफ ओरिजिनल वैल्यू दैट आर स्टोर्ड एट स्क्वेयर। ठीक है, तो इसका जो है वो सिंपल सा फॉर्म एक्सप्लेनेशन ये है कि जब भी कभी हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सीपीयू से तो उसका एक कॉपी रख ली जाती है कैशे के अंदर। कैशे एक फास्ट मेमोरी है, रैम से बहुत ज़्यादा फास्ट होती है लेकिन ये रजिस्टर से फास्ट नहीं होती। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, कोई डाटा चाहिए होता है, तो वो पहले कैशे में देखा जाता है। अगर कैशे में वो चीज़ मिल जाए तो उसको हम कहते हैं कैशे हिट, और वो फास्टली एक्सेस हो जाती है। अगर कैशे में नहीं होता तो वो कैशे मिस हो जाती है। कैशे मिस होगी तो फिर वो मेमोरी से डाटा को रिट्रीव कर लेता है। अगर यहीं से मिल जाए, कैशे से मिल जाए, तो फिर वो एक्सेस जो है फास्ट हो जाती है। तो कैशे को भी फास्ट बनाना चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होनी चाहिए। तो ये इसको अगर हम कहें तो ये भी स्मॉल अमाउंट होती है लेकिन वेरी फास्ट मेमोरी होती है। तो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा या रिसेंटली यूज डाटा जो है वो इसके अंदर सेव होता है। सिट्स बिटवीन नॉर्मल मेन मेमोरी, रैम एंड रोम एंड सीपीयू, यानी रैम और सीपीयू के दरमियान में ये होती है। मे बी लोकेटेड ऑन सीपीयू चिप और मॉड्यूल, यूज टू रिड्यूस एवरेज टाइम टू एक्सेस डाटा। ठीक है जी, जितनी ज़्यादा हमें यानी कि डाटा जो है वो कैशे से मिलता रहेगा उतना ही ज़्यादा फास्ट एक्सेस होगी। मेन मेमोरी से जितना ज़्यादा आप कम्युनिकेट करेंगे उतनी एक्सेस स्लो होगी एज कम्पेयर टू कैशे। बेसिकली इसका ओवरव्यू देख लेते हैं, इसका क्या यूज़ है। सीपीयू रिक्वेस्ट कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन, मेमोरी लोकेशन को कंटेंट इसमें आता है, चेक कैशे फॉर दिस डाटा इफ प्रेजेंट गेट फ्रॉम कैशे। ठीक है, तो पहले डाटा कैशे में देखा, कैशे में मिल गया तो उसको वहाँ से यूज कर लिया तो ये फास्ट हो गया। इफ नॉट प्रेजेंट, अगर नहीं है कैशे में तो फिर उसे मेन मेमोरी से लेना पड़ेगा, देन डिलीवर फ्रॉम कैशे टू सीपीयू। तो मेमोरी से भी जब उठाएंगे तो उसे कैशे में रखेंगे पहले, फिर कैशे से सीपीयू में। ये इसका वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन है। टाइप्स ऑफ कैशे, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, एटलीस्ट थ्री इंडिपेंडेंट कैशेज। ठीक है, तीन जो है इंडिपेंडेंट कैशेज होती हैं आजकल के मॉडर्न सीपीयू के अंदर। एंड पहली में क्या होता है, एन इंस्ट्रक्शन कैशे टू स्पीड अप एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन पैच। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि पहला काम ये किया जाता है कि इंस्ट्रक्शंस फैच की जाती हैं, क्या करना है ये इंस्ट्रक्शन उठाई जाती है, इसको इसके लिए भी कैशे यूज की जाती है। डाटा कैशे यूज की जाती है डाटा को उठाने के लिए, फैच करने के लिए या स्टोर करने के लिए। ए ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर यूज टू स्पीड अप वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, तो हमारे जो एड्रेसेस होते हैं कुछ वर्चुअल होते हैं, कुछ फिजिकल एड्रेसेस होते हैं। वर्चुअल टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन के लिए हम लुक असाइड बफर या TLB यूज करते हैं। मल्टी लेवल कैशेज भी यूज की जाती हैं। ठीक है, आजकल मल्टी लेवल कैशेज में हमारे पास L1, L2, L3, Level 1, Level 2, Level 3 ये यूज किए जाते हैं। ठीक है, मल्टी लेवल कैशे में पहले Level 1 को में देखा जाता है डाटा, अगर ना हो तो फिर Level 2 में, अगर उसमें भी ना हो तो फिर Level 3 में, अगर Level 3 कैशे में भी डाटा ना हो तो फिर उसको मेन मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी से डाटा को देना पड़ता है। तो Level 1 में रिसेंटली यूज डाटा होता है, Level 2 में अपकमिंग डाटा होता है, L3 में पॉसिबल अपकमिंग डाटा होता है। ठीक है, तो CPU को पता होता है कि कौन सा डाटा यूज किया,
वो L1 में स्टोर हो जाता है। अपकमिंग डेटा आगे क्या करना है उसके लिए डेटा होता है L2 में सेव हो जाता है। L3 के अंदर ये प्रिडिक्शन की जाती है कि माइट भी क्या आगे यूज होना है, पॉसिबल अपकमिंग डेटा क्या हो सकता है, तो वो L3 में सेव हो जाता है। तो ये डिफरेंट लेवल्स हैं जी कैशे के। मल्टी लेवल कैशेज जो है हाई लॉजिक डेंसिटी एनेबल्स कैशेज ऑन चिप फास्टर देन बस एक्सेस फ्रीज बस फॉर अदर ट्रांसफर्स। ठीक है, हाई लॉजिक डेंसिटी एनेबल्स कैशे, ठीक है, तो ये इसको एनेबल करने के लिए हम हाई डेंसिटी हाई लॉजिक डेंसिटी यूज करते हैं। ठीक है, डिफरेंट इसके अंदर भी लॉजिक गेट्स वगैरह ये लगे होते हैं जो आपकी कैशे होती है। कॉमन टू यूज बोथ ऑन एंड ऑफ चिप कैशे। तो स्टैटिक रैम के अंदर अगर मैं इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ूं, स्टैटिक रैम में आपका L1 ऑन होता है, ऑन चिप होता है, L2 ऑफ चिप होता है। ऑन चिप मींस चिप के ऊपर लगा होता है, ऑफ चिप मींस कि चिप के ऊपर नहीं लगा होता। L2 एक्सेस मच फास्टर देन DRAM होगा, ऑब्वियसली L2 जो है वो आपका रैम से या रोम से फास्ट होगा। L2 often uses separate data path. L2 के लिए अक्सर हम separate buses वगैरह use करते हैं। L2 में now be on chip और कुछ CPUs में chip के ऊपर भी होती है। Chip से मुराद हमारा processor है, processor के near होने, जितना near होगा उतना ज़्यादा fast होगा। तो आज की कोशिश ये की जा रही है कि caches को भी chip के ऊपर ही लगाए जाएं, जैसे कि registers chip के ऊपर होते हैं, ताकि data जो है वो communication fast हो। ये बेसिक इसका ऑपरेशन है। अगर मैं इस सेकंड वाली डायग्राम को देखूं, लेवल्स वाली को, तो CPU L1 से कम्युनिकेट करेगा। अगर डाटा मिल गया तो ये फास्टेस्ट होगा, अगर नहीं मिला तो L2 पे जाएगा, अगर L2 से मिल गया तो ये फास्ट होगा, अगर नहीं मिला तो L3 पे जाएगा, L3 लेस फास्ट होगा। ठीक है, अगर डाटा मिल गया फिर भी फास्ट ही है, लेकिन अगर L3 पे भी नहीं है तो फिर मेन मेमोरी से लेना पड़ेगा जो कि स्लो प्रोसेस है। तो कैसे इस तरह से हेल्प करती है स्पीड को इंक्रीज करने में। बिल्ट इन डायरेक्टली इन द प्रोसेसर चिप L1, जैसे कि मैंने कहा कि ऑन चिप है, प्रोसेसर चिप के ऊपर ही बिल्ट की जाती है। यूजुअली हैज अ वेरी स्मॉल कैपेसिटी रेंजिंग फ्रॉम 8 KB टू 128 KB। ये जितनी ज्यादा इंक्रीज करेंगे, आजकल कंप्यूटर्स में इसको कोशिश की जा रही है कि बढ़ाया जाए, जितनी ज्यादा ये बढ़ेगी उतनी ज्यादा बेहतर है। Slightly L2 cache is slightly slower than L1 cache, has a much larger capacity ranging from 64 KB to 16 MB. Okay, so L2 cache जो है वो slow है as compared to L1, लेकिन इसकी memory space जो है वो ज़्यादा। ठीक है जी, तो ये भी आजकल processor के ऊपर ही on chip ही बनाई जा रही है। आजकल पीसीज में वैसे ही ज्यादा वैल्यूज की भी है। L3 कैशे इज अ कैशे ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, ये अब प्रोसेसर चिप पे नहीं है, ये मदरबोर्ड के ऊपर है, मतलब चिप पे इसको चिप से ये सेपरेट है। एग्जिस्ट ओनली कंप्यूटर ऑन कंप्यूटर्स दैट यूज L2 एडवांस ट्रांसफर कैशे। ठीक है, जिसमें L2 यूज होगा उसी में L3 लगाई जाती है। इसकी जो स्पेस है वो तकरीबन 8 MB तक होती है। ठीक है, 24 MB तक भी हो सकती है। मेमोरी हायरार्की और डिजाइन कंस्ट्रेंट्स जी, इसको स्लाइड्स को रीड आउट करने से पहले मैं इसकी डायग्राम के ऊपर आता हूँ। मेमोरी हायरार्की की एक डायग्राम है, ये एक मेमोरी हायरार्की की मेरे पास डायग्राम है। जी, तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो, एक सेकेंड जी मैं इसको पहन लेता हूँ। ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक मेमोरी हायरार्की डायग्राम है। ठीक है, ये जितना इस पिरामिड के आप ऊपर जाएंगे उतना फास्ट होगा, मतलब ये जो लेवल है ये फास्टेस्ट है और स्पेस वाइज ये सबसे कम है। ठीक है, स्मॉलर फास्टर, जितना हम ऊपर जाएंगे उतने बाइट्स या बिट्स कम होते जाएंगे, मेमोरी साइज कम होता जाएगा, लेकिन स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, फास्ट बट स्मॉल। जितना हम नीचे आते जाएंगे इस लेवल में, उतना ये इसका मेमोरी साइज लार्ज हो जाएगा, मतलब गीगा में बाइट्स में इंक्रीज करेगा मेमोरी, लेकिन एक्सेस जो है या स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसको हम इस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, नीचे जाएंगे तो
लार्जर बट स्लोअर, ऊपर जाएंगे तो स्मॉलर बट फास्टर। तो हमने ये देखा कि फास्टेस्ट जो है हमारे पास वो रजिस्टर्स हैं, लेकिन इनकी विड्थ कम है, तो मतलब इसका साइज कम है। एल वन उससे कम फास्ट है, लेकिन फ्लैश रैम भी स्टैटिक रैम भी कहते हैं, एल वन से कम है लेकिन स्पीड इसकी कम है, लेकिन साइज बढ़ गया है अगर इसकी विड्थ देखें तो। नीचे आ गए एल टू की साइज बढ़ गया है लेकिन स्पीड कम हो गई। और नीचे आएंगे तो मेन मेमोरी जो है या रैम जो है आपकी डी रैम जो है उसमें साइज इंक्रीज कर गया है लेकिन स्पीड जो है वो स्लो हो गई है। इस लेवल पे आए तो सेकेंडरी स्टोरेज लोकल डिस्क जैसे हार्ड डिस्क वगैरह स्पीड स्लो हो गई है लेकिन मेमोरी साइज ऐसे इंक्रीज कर गया है। और नीचे आए तो आपके वेब सर्वर्स, रिमोट सेकेंडरी स्टोरेज जिसको आप जिस तरह से इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, कोई नेटवर्क बना के करते हैं, तो स्पीड साइज इंक्रीज कर गया लेकिन स्पीड जो है वो स्लो हो गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी मेमोरी वर्क करती है। अगर हम इसको कॉस्ट वाइज देखें तो ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, कॉस्ट डिक्रीज करेगी, ये कम कॉस्टली कम कॉस्टली कम कॉस्टली कम कॉस्टली और ये सबसे कम कॉस्टली है। तो जिस तरह से नीचे जाएंगे चीपर भी होते जाएंगे। तो अगर फाइनेंशियली भी देखें तो ये चीज़ें हमारी जो है वो टॉप डाउन जो है ये कम होते हैं, सस्ता होता है काम। ठीक है, तो ये मेमोरी हायरार्की है बेसिकली। तो यही चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, अगर हम इसे वर्डिंग में पढ़ें तो ये वही चीज़ें हैं जो मैंने बातें एक्सप्लेन कर दी। बसेज यूज़ की जाती हैं जी डाटा कम्युनिकेशन के लिए, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक पाथ होते हैं कॉपर के, इस तरह से कभी मदरबोर्ड देखें तो आपको ट्रैक्स बने हुए नजर आएंगे, उनको हम बसेस कहते हैं। दो टाइप की मेन बसेज होती हैं, इंटरनल बस एंड एक्सटर्नल बस। ठीक है जी, इंटरनल बस और सिस्टम बस भी कहते हैं इसे, resides on motherboard and connects the CPU to other devices that reside on the motherboard. ठीक है, तो motherboard के ऊपर local जो है जो paths बने होते हैं उनको हम internal या system bus कहते हैं। ये different motherboard के ऊपर जो components लगे हैं उनकी communication के लिए use होते हैं, जैसे कि RAM ने communicate करना है CPU से, processor से आपके, इस तरह की जो communication है motherboard के अंदर अंदर ही वो आपकी internal या system bus के थ्रू होती है। इसकी टाइप्स क्या है, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ठीक है, एड्रेसिंग के लिए एड्रेस बस यूज होती है, एड्रेस ट्रैवल करने के लिए, डाटा ट्रैवल करने के लिए डाटा बस यूज होती है, और अगर कोई कंट्रोलिंग करनी हो कोई चीज़ लाइट से टर्न ऑन ऑफ करनी है तो कंट्रोलिंग बस को यूज किया जाता है। एक्सटर्नल और एक्सपेंशन बस भी कहते हैं इसको, कनेक्ट एक्सटर्नल डिवाइसेस। ठीक है, तो वो पार्ट्स जो कि एक्सटर्नल डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं उनको हम एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बसेस कहते हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉडेम हो गया, प्रिंटर हो गया। ठीक है, ये जो आपकी कनेक्ट होती है ये एक्सटर्नल या एक्सपेंशन बस के थ्रू होती है। तो ये इसकी एक डायग्राम है, ये आपका लेट्स से के मेमोरी है, ये सीपीयू है, तो ये बसेस के थ्रू कनेक्टेड है। ये कंट्रोल के लिए डाटा ट्रेवल डाटा बस पे होगा, एड्रेसेस ट्रेवल एड्रेस पे होंगे, और कंट्रोल के लिए हम कंट्रोल लाइन को यूज करेंगे। डेटा बस इज ए कंप्यूटर सब सिस्टम दैट अलाउज द ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा। ठीक है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मदरबोर्ड के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह डेटा अगर ट्रांसफर करना है तो वो डेटा बस के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये जो है आपके बिट्स इसके ऊपर ट्रेवल करते हैं। द अमाउंट ऑफ डेटा ए बस डेटा बस कैन हैंडल इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ठीक है, तो कितना डेटा एक बस के ऊपर एक टाइम में जा सकता है उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। ठीक है, टिपिकल डाटा बस इज 32 बिट्स वाइड, मतलब एक टाइम में इस पे 32 बिट का डाटा ट्रैवल कर सकता है। अब इसके अंदर एक पाथ नहीं होता, पैरेलल पाथ्स भी बनाए जा सकते हैं। न्यूअर कंप्यूटर्स आर मेकिंग डाटा बसेस दैट कैन हैंडल 64 बिट। तो अब जैसे जैसे हमारा डाटा इंक्रीज हो रहा है हम डाटा बस इनकी बसेस की कैपेसिटी को भी इंक्रीज कर रहे हैं। एड्रेस बस इज ए सीरीज ऑफ लाइंस कनेक्टिंग टू और मोर डिवाइसेस that is used to specify a physical address. Let's say, मैं इसकी example पे आता हूँ directly. हमने कोई data read करना है memory से. ठीक है, तो हमें एक memory location चाहिए होगी. हमारी जो RAM है for example या hard disk है उसमें addresses होते हैं. हम ये नहीं कह सकते कि data read कर लें और कोई address ना दें. तो memory के ऊपर address जो है वो binary numbers में होता है. तो बाइनरी नंबर के ऊपर लेट से कि हमने डेस्टिनेशन और सोर्स के हमें एड्रेसेस चाहिए तो वो हमारे बाइनरी नंबर में होंगे। तो वो एड्रेस जो का नंबर जो ट्रैवल करेगा वो एड्रेस बस के ऊपर ट्रैवल करता है।
ठीक है, तो पूरी एड्रेसिंग हुई होती है। लेट से हमारे पास 4 GB की मेमोरी है, रैम है, तो उसकी एक एक उसके बाइट का कोई ना कोई एड्रेस होता है। 4 GB में बहुत से बाइट्स होंगे, हर बाइट का एक जो है वो नंबर होगा, एक उसका एड्रेस होगा। उस एड्रेस के ऊपर फिर उसको कॉल किया जाता है या उधर राइट किया जाता है, उधर से रीड किया जाता है। और ये जो एड्रेस ट्रेवल करता है, ये एड्रेस बस करता है। कंट्रोल बस इज ए पार्ट is part of a computer bus used by CPU for communicating with other devices. इसकी मैं आपको example देता हूँ। For example, मैंने अब RAM से data read करा, ठीक है, address bus के ऊपर address चला गया, ठीक है। अब अगर मैंने उसे बताना है, memory के दो operations हो सकते हैं, या वो data read हो सकता है, write हो सकता है। अब मैंने उसे अगर बताना है जी कि मैंने data read करना है, तो मैं वहाँ पे उस line को high से low कर दूँगा, कंट्रोल लाइन को, तो मेमोरी अंडरस्टैंड कर लेगी कि अब डाटा जो है वो रीड होना है, राइट नहीं होना। लो से हाई करूंगा तो उसको पता चल जाएगा कि डाटा राइट होना। इस तरह की जब भी कंट्रोलिंग करनी होती है, इस तरह के जो सिग्नल्स भेजे जाते हैं, 1 0 कंट्रोलिंग के सिग्नल जो भेजे जाते हैं, वो कंट्रोल बस के ऊपर भेजे जाते हैं। ठीक है, आई होप कि चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आप। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, ग्रुप पे भी पूछ सकते हैं, या अगर आप लोग चाहें तो कोई लाइव सेशन भी हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।